दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने ब्लैक होल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अल्लाह ने सूरह वाकया की आयत नंबर 75 और 76 में कहा, अब मैं उन जगहों की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ सितारे गिरते हैं और अगर तुम समझो तो ये बड़ी जबरदस्त कसम है। इन दोनों आयात में किस चीज का जिक्र है? आज की मौजूदा स्टडी के मुताबिक कायनात में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसमें सितारे गिरते हैं और गिरकर खत्म हो जाते हैं और वो चीज ब्लैक होल है। यानी कुरान पाक में अल्लाह ने 800 से 1400 साल पहले ब्लैक होल का जिक्र किया जिसको साइंसदानों ने आज डिस्कवर किया है। तो क्या ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी नहीं है जो उसकी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है? 2018 में नासा ने टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। ये केपलर स्पेस टेलीस्कोप का सीक्वल है जिसका मकसद हमारे सूरज और हमारी जमीन जैसे सितारों को ढूंढना है। जब साइंसदान इसके डेटा को स्टडी कर रहे थे तो अचानक उन्हें बहुत ही अजीब और क्रीप तस्वीरें मिली जिन्हें देखकर साइंसदान परेशान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इन तस्वीरों को कई माह तक स्टडी किया गया और कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इनकी वीडियो बनाई गई। इस वीडियो को देखें जिसमें एक स्टार जिसका साइज हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है उसे एक ब्लैक होल अपनी तरफ खींचकर निगल रहा है। तो जरा सोचिए क्या ये वही चीज नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है, यहाँ सितारे गिरते हैं। इसके अलावा सूरह नजम की आयत नंबर 1 में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब वो गायब होने लगा या वो गिरने लगा। आप समझ सकते हैं कि 800 से 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पर ब्लैक होल का जिक्र किया है। ब्लैक होल की लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इवेंट होराइजन में देखना नामुमकिन है, लेकिन एक्रेशन डिस्क से आगे और इवेंट होराइजन से थोड़ा पीछे साइंसदानों ने फोटोन रिंग को डिस्कवर किया है जिसके जरिए हम ब्लैक होल के अंदर देख सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पेरी के दरख्त से होकर अल्लाह के अर्श पर गए थे वो भी एक ब्लैक होल है। अगर देखा जाए आज की स्टडी के मुताबिक ब्लैक होल का अंदरूनी स्ट्रक्चर एक पेरी के दरख्त के जैसा है। इसके इवेंट होराइजन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे इसका साइज पीक होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त में आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे जिसे आप देख सकते हैं कि इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर एक पेरी के दरख्त जैसा है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही सेकंड में अल्लाह के अर्श पर तशरीफ लाए थे। ये बात आप जान लें कि अल्लाह के अर्श के सामने सातों आसमान रेत के जरे से भी छोटे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही सेकंड में अल्लाह के अर्श पर पहुंच गए थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि ब्लैक होल दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरी के दरख्त से होकर अल्लाह के अर्श पर पहुंचे। कई साइंसदान कहते हैं कि जब स्टार ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो रेडिएशन बनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि इसकी सिंगुलैरिटी का होल किसी दूसरी कायनात में जाकर खुलता है जिसे हम दूसरी कायनात में जा सकते हैं। अब हकीकत क्या है किसी का कुछ नहीं पता। साइंसदान इस ब्लैक होल के अंदर छुपे हुए राजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल काली जगह है जिसको तब भी देखा जा सकता है जब इसके गिर्द एक्रेशन डिस्क बनती है। 2019 में साइंसदानों ने M87 ब्लैक होल की तस्वीर जारी की और ये पहली बार था जब हम किसी ब्लैक होल को रियल में देख रहे थे। उसके बाद 2022 में साइंसदानों ने हमारे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर जारी की जिसकी एक्रेशन डिस्क M87 ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क से काफी छोटी और मध्यम थी। यानी M87 ब्लैक होल का साइज मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा बड़ा था, जो बहुत ज्यादा मटेरियल को खा रहा था जिसकी वजह से उसके गिर्द एक्रेशन डिस्क बहुत बड़ी बन गई। जबकि हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल इतना एक्टिव नहीं था और ये बहुत कम मटेरियल को खा रहा था जिससे उसकी एक्रेशन डिस्क बहुत छोटी थी, जिसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था जो हमसे 25,000 लाइट ईयर दूर है। लेकिन फिर भी साइंसदानों ने उस ब्लैक होल को देखा और बहुत सारी तस्वीरें खींची। कुछ तस्वीरों में साइंसदानों ने उस ब्लैक होल के गिर्द एक गर्म बबल को देखा जिसे हॉट ब्लॉब्स भी कहा जाता है, जो ब्लैक होल को बहुत ज्यादा करीब से ऑर्बिट कर रहा था। पहले इन बबल्स को एक्स रेस में देखा जा सकता था, अब तक इनको किसी भी और फ्रीक्वेंसीज में नहीं देखा गया, लेकिन आल्मा टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी देखा।
आखिर इसकी वजह क्या थी। साइंसदान का कहना है कभी ये बबल गर्म हो जाता है और कभी ये बबल ठंडा हो जाता है, यानी इस बबल का टेम्परेचर कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है, जिससे कभी इसे एक्सरेज खारिज होती हैं और कभी रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ये बबल साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित हुआ। इसको स्टडी करने से साइंसदानों को पता चला कि ब्लैक होल मुसलसल घूम रहा है, यानी इस बबल की और ब्लैक होल की रोटेशन एक ही तरफ है, और साथ ही ब्लैक होल के किर्द एक्रेशन डिस्क भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी इन तीनों चीजों की रोटेशन एक ही तरफ है। साइंसदानों को ब्लैक होल के बारे में पहले काफी कुछ मालूम था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन साइंसदानों के लिए बिल्कुल नई थी। जमीन से देखने पर ये सब क्लॉक वाइज एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहे हैं। इस हॉट बबल के जरिए हमने ब्लैक होल की मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझा कि ये ब्लैक होल कैसे रोटेट करता है और ये आगे कैसे बढ़ता है। पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था। एक बात और जान लें, जब एक्रेशन डिस्क और इसके ब्लॉब को देखा जाए तो ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी सारी ऑब्जर्वेशन आल्मा टेलीस्कोप से की गई। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये हॉट ब्लॉब या बबल कैसे बन रहे हैं। साइंसदान इसे ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड भी कह रहे हैं, लेकिन अभी साइंसदानों को इसके बारे में कुछ भी अच्छे से नहीं पता, इसीलिए उन्होंने इसे कोई भी नाम नहीं दिया। अब साइंसदान इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से स्टडी करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास यही सबसे एडवांस रेडियो टेलीस्कोप है। हो सकता है कि ये रेडियो टेलीस्कोप कुछ ऐसी चीजों को भी देख सके जिनको अभी तक नहीं देखा गया, जिसे हम ब्लैक होल और इसके किर्द एनवायरनमेंट को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। कुछ टाइम पहले साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया कि ब्लैक होल क्वांटम नेचर के हैं। इनकी सरफेस पर कुछ वॉर्टेक्स की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो इन मैग्नेटिक लाइंस को बनाते हैं। अगर इन सब चीजों का तल्लक अभी डिस्कवर होने वाले ब्लॉब से है, तो साइंसदान इन सब चीजों के एविडेंस को ढूंढ सकेंगे, जिससे हमें ब्लैक होल की नेचर का पता चल सकेगा। साइंसदानों के लिए ये हॉट ब्लॉब्स बहुत ज्यादा हैरानकुन डिस्कवरी है, जिससे हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी चीज ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रही है, और ये चीज ब्लैक होल से उतनी दूर है जितनी दूर मरकरी सूरज से है। इसी वजह से ये बबल इतना ज्यादा गर्म है। ये चीज साइंसदानों की कई माह की स्टडी के बाद एक ऑब्जर्वेशन है। हकीकत में ये चीज कुछ भी हो सकती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की एक और शानदार वीडियो, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पर किया, और बेरी के दरख्त को ब्लैक होल भी कहा जा रहा है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श पर तशरीफ लाए। हकीकत किसी को नहीं पता, ये ब्लैक होल अपने अंदर कई बड़े राजों को छुपाए हुए हैं, और ये राज भी अल्लाह की कुदरत को बयान करेंगे। अल्लाह की कुदरत हर तरफ है। जैसे जैसे साइंसदान कायनात के नए राजों के बारे में जानते हैं, वो अल्लाह की नई कुदरत के बारे में जान रहे होते हैं, और ये भी राज अल्लाह की कुदरत को बयान करेंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। इसीलिए आप भी कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें, और इस अमेजिंग वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।